अब की बार एक ही सपना बहरोड नंबर वन हो अपना। बहरोड की पहचान आपका भाई पलवान। काम किया है काम करेंगे, बहरोड का ऊंचा नाम करेंगे। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राज कुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं RAT24। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव बिचपुड़ी में एक बिल्डर द्वारा किसानों की तैयार फसल को नष्ट करने को लेकर ग्रामीणों के बीच पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि बिल्डर जमीनों पर कब्जा लेने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। डॉक्टर जसवंत यादव ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि संकट की हर घड़ी में वह उनके साथ हैं। मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने राजस्थान विधानसभा में किसानों को हितों को ध्यान में रखते हुए मुंडावर में कृषि उपज मंडी खोलने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने राजकीय स्कूलों में रिक्त पद भरने की भी पुरजोर तरीके से बात रखी। मैंने बताया कि खैरतल कृषि मंडी के अधीन मुंडावर आता है और मुंडावर के अधिकतर गाँव इसी मंडी के आते हैं। पिछले वर्ष की आय जो कृषि मंडी की थी वो करीब 10 करोड़ की थी और अधिकतर गांव मुंडावर के होने की वजह से वो आय ज़्यादा थी। उसमें से बहरोड, किशनगढ़बास, बांसुर और तिजार अलग कर दिए गए। उसके बाद भी उसकी आय यथास्थिति में है। इस वर्ष की आय भी करीब 10 करोड़ के आसपास है। तो आय को देखते हुए और किसान हित में देखते हुए कि उनका खर्चा बढ़ेगा, आवागमन का समय भी कम होगा, तो इसको देखते हुए क्या जो आपने अभी सो गोंद मंडी की बात करी, क्या उसको देखते हुए आप मुंडावर के अंदर मंडी खोलेंगे? जैसा मैंने बताया कि आपके जो प्रस्ताव मंडी के परीक्षणाधीन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट 2020-21 में गोंड मंडी की घोषणा की हुई है। यदि उसमें संभव होगा तो हम खोलने का प्रयत्न करेंगे। वैसे क्या है कि जो कृषि कानून आए थे भारत सरकार के 3, उसके बाद में जो हम मंडी टैक्स वसूल करते हैं, केवल मंडी क्षेत्र में वसूल करते हैं, तो हमको भी इस बात का काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि मुंडावर क्षेत्र में भी कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता। इसलिए हम कोशिश करेंगे, प्रस्ताव प्राप्त होते ही परीक्षण करवाएंगे और आपकी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे आपकी मांग। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट। अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, STSC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज बहरोड, अब आपको कोटा जाने की नहीं है जरूरत। कैरियर पॉइंट कोटा की कोचिंग अपनी टीम के साथ अब यूनिक बहरोड में। चेयरमैन सुमित यादव का दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से यूनिक संस्थान ने राज्य और जिला स्तरीय मेरिट देकर राट का नाम किया रोशन। स्कूल में नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय, ओलम्पियाड, मिलिट्री की तैयारी, IIT और नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। भाजपा जिला अलवर उत्तर की संगठनात्मक बैठक जिला अध्यक्ष उमेद भाया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के नव नियुक्त संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज रहे। इस मौके पर उन्होंने आगामी कार्य योजनाओं को लेकर अपना मार्गदर्शन दिया। पूर्व जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बैठक के दौरान उमेश शर्मा, संजय शर्मा, संजय जाटव, महासिंह चौधरी सहित जिले के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। शिवदान सिंहपुरा में स्थित शेड माता मंदिर पर मेला और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मेले में भाजपा नेता मोहित यादव ने भी शिरकत की। उन्होंने माता के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। वहीं मोहित यादव की तरफ से मेला कमेटी को 11,000 रुपये की राशि भी भेंट की गई। आपको बता दें कि शिवदान सिंहपुरा की लोक देवी शेड माता मेले में आसपास के 50 से भी ज्यादा गाँव के लोग पहुँचते हैं। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरत सा चमके हम, स्कूल चले हम। दृष्टि ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल बहरोड, कॉन्टेक्ट अस 9887518888।
शिक्षा के क्षेत्र में बहरूड में लगातार नंबर वन GPS स्कूल भगवाड़ी। एडमिशन ओपन कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन नीट JEE की स्पेशल तैयारी, कोटा की स्पेशल फैकल्टी अब GPS में, साथ ही सैनिक व नवोदय स्कूल की विशेष तैयारी, टॉप फैकल्टी द्वारा क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, हॉस्टल फैसिलिटी GPS स्कूल भगवाड़ी। क्षेत्र के गांव शिवदान सिंहपुरा में शेड माता के मेले का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रथम जिला अध्यक्ष भाजपा अलवर उत्तर बलवान सिंह यादव भी पहुंचे। यादव ने शेड माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और क्षेत्र से आए हजारों लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। मेले में कुश्ती दंगल के दौरान बलवान सिंह यादव ने पहलवानों से परिचय भी किया। यादव के मीडिया प्रभारी मनीष शर्मा के अनुसार यादव ने मेला कमेटी को 71,000 रुपये नकद और प्रधान कोटे से 10,00,000 रुपये की राशि बंथला से लेकर माता मंदिर तक रोड निर्माण के लिए घोषणा की। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने आज अलवर के दर्जनों गांवों का दौरा किया व 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत में जयपुर आने का निमंत्रण दिया और बाबा भर्तरी के मंदिर में धोक लगाई। कुशाल सिंह राठौड़, भावेश सिंह शेखावत, देवेंद्र सिंह चौहान, भंवर सिंह नरोका समेत संगठन के पदाधिकारी साथ रहे। राठ इंटरनेशनल स्कूल अद्भुत, अतुलनीय, प्रशंसनीय STSC परीक्षा परिणाम में 112 बच्चों की टॉप रैंक, संपूर्ण राजस्थान के प्रथम 10 स्थान पर 21 बच्चे, केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से। एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो राठ इंटरनेशनल स्कूल ही है। यह हम नहीं, हमारे परिणाम बोलते हैं। इतने कम समय में इस विद्यालय ने जो ऊंचाइयों को छुआ है, निश्चित तौर पे एक बहुत ही सराहनीय है। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली, क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। DIG क्राइम राहुल प्रकाश आज अलवर पहुंचे। इस मौके पर पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका सम्मान किया। आपको बता दें कि राहुल प्रकाश पूर्व में अलवर जिला पुलिस अधीक्षक पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा, राठ क्षेत्र का अत्याधुनिक 60-बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त। डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन SMH जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदु हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख DPS। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राठ 24। नमस्कार।